स्वागत है साथियों आपका प्यारा चैनल एके फिजिक्स क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग आ चुके हैं सेमेस्टर फोर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इस साल के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और क्या सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन डिफरेंस के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो बनेगा, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक लॉजिक का अपना एक प्रूफ है, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं कि हर एक रूल का प्रूफ है। तो क्या होगा, आपको हर एक चीज़ का कारण पता चलते जाएगा, तो आपको ये केस समझने में आसानी होगी। जिस तरह पुलिस वाले जब कोई केस को हैंडल कर रहे होते हैं तो क्या चाहिए, वो मान के चलते हैं कि आरोपी ये है, और उसको पूछताछ करते हैं, पूछताछ करते करते उनको पता चलता है कि आरोपी है या नहीं है। और ये कैसे पता चलता है, तो कुछ न कुछ प्रूफ लगता है हाथ में। तो बिल्कुल हम हर एक स्टेप बाय स्टेप को किसी न किसी तरीका का ट्रिक से, किसी न किसी तरीके के प्रूफ से आपको बताते जाऊँगा, जिसके कारण से आप क्या करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, दोनों में क्या अंतर है ये पता कर पाएंगे, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं अपने बारे में ज़रा बता दूं, मेरा नाम है अरविंद कुमार और मैं एके फिजिक्स क्लासेस में वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। अभी सेमेस्टर फोर का एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए सेमेस्टर फोर का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बाकी सारे सेमेस्टर को मैंने अभी तक अभी जो है सो होल्ड पर रखा हुआ है, ठीक है। सेमेस्टर फोर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत सेमेस्टर टू के एग्ज़ाम पर ध्यान दूंगा, और फिर सेमेस्टर वन के, और इस तरह से आपकी तैयारी चलते रहेगी, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हैं, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी चलता है जिसमें करीब 82 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, जो बिनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हैं। झारखंड के अंदर 4-5 जिला जैसे कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह, ये 5 जिले जो हैं, उन जिले के स्टूडेंट जो फिजिक्स ऑनर्स को लेते हैं और किसी भी कॉलेज से पढ़ते हैं, वो इनको देखते हैं और वो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए और हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ग्रुप का में जुड़ने के लिए नंबर आपको मिल जाएगा, या तो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर आप ऐड हो जाइए, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा लेट ना करते हैं, सबसे पहले समझते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहा गया, कोई अगर मेटल सरफेस है, कोई अगर मेटल सरफेस है यहाँ हमारे पास, ठीक है, क्या है, कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, और हम इस मेटल सरफेस पर हाई फ्रीक्वेंसी का एक लाइट को अगर हम इंसिडेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी का एक लाइट को क्या कर रहे हैं, हम इंसिडेंट कर रहे हैं, और उस लाइट में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एच न्यू होता है। हमको पता है प्लैंक्स के लॉ के अनुसार से क्या होता है, एच न्यू होता है ना, तो एच न्यू एनर्जी जो होता है, ठीक है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, देन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, एच मतलब क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो एनर्जी डायरेक्टली एच न्यू है वो एनर्जी किसका है, लाइट के वेव का। तो जैसे ही लाइट को हम यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं किसी मेटल सरफेस से, तो क्या होता है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन बाहर नज़र आता है, इलेक्ट्रॉन बाहर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम, जैसे इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फोटो, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे फोटो मतलब क्या, वो लाइट, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं इसी को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात रही कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होती है, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि फोटोन के बारे में, क्या पढ़ा, फोटोन का मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसके पास अपना कुछ एनर्जी हो, ठीक है, और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो एक काम करते हैं कि फोटोन को हम लोग क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। यहाँ पर समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, क्या रखा हुआ बच्चों, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है रखा हुआ, ठीक है। मैंने फोटोन, ये कॉम्पटन इफेक्ट पर भी वीडियो बना चुका है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर भी वीडियो बना चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इधर से एक फोटोन जो है सो जा रहा है, ठीक है, इधर से क्या गया, एक फोटोन जा रहा है जिसका एनर्जी कितना था, एच न्यू था, एक फोटोन जा रहा था जिसका एनर्जी कितना था, एच न्यू। अब ये फोटोन जो है सो जा करके क्या हुआ, टकरा गया किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद क्या होगा, जैसे क्या होता है, ये थोड़ा सा छटक जाता है, इधर चला गया, कौन, फोटोन, फोटोन यहाँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेस्ट में, ठीक है, इधर से गया फोटोन और इधर से टकराने के बाद उधर चला गया, ठीक है, तो वही यहाँ से टकराने के बाद ये इधर चला गया, ठीक है,
और जब ये चला गया तो उसका जो वेवलेंथ था वो चेंज हो गया, ठीक है, क्या होगा फ्रीक्वेंसी, पहले एनर्जी था एच न्यू, अब एनर्जी हो गया एच न्यू डैश, और बिल्कुल यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था जैसे कि यहाँ से गया इधर से, है ना, इधर से क्या गया फोटोन, और ये टकरा के इधर चल गया और ये इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर आ गया। जिस तरह कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम उसमें जो नहीं होता है कि अगर कोई स्टेट है तो स्ट्राइकर से मारे तो स्ट्राइकर इधर चल गया और जो वहाँ पर गोटी है वो इधर आ गया, ठीक है, गोटी उसको अपने कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, है ना, तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक इफेक्ट हुआ, उस इफेक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो हमारे पास वेवलेंथ था फोटोन का पहले, और जो वेवलेंथ मिला बाद में वो वेवलेंथ में एक चेंज आ गया, और इसी चेंज के इफेक्ट को कहते हैं हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, है ना। तो आपको ये भी पता चला होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसके लिए क्या जरूरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, PEE हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या जरूरी है, तो आपने जरूर पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट होना चाहिए, मतलब एक ऐसा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जो क्या करे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वैसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो जो जब मेटल सरफेस पर पड़े तो मेटल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग मिनिमम, क्या कहते हैं उसको हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी का जो वर्क डन होगा उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपने यहाँ पर पढ़ी हुई जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, और दूसरी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपना एक नियम होता है वो भी आपने पढ़ी होगी, तो वो सब चीज़ को हम लोग जो है सो यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं, चूँकि आपको वो जानना है तो उसका वीडियो आप देख लीजिए, यहाँ पर जो दोनों थंबनेल दिख रहा है बिल्कुल ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी किए, जो सबसे पहले क्या किए, एक्सप्लेन किए पूरा बढ़िया से, वो थे अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन थे? अल्बर्ट, ये नाम जो जरूर सुने होंगे आपने, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन आपने जरूर इनका नाम सुना होगा, क्योंकि पूरा फिजिक्स में यही साहब जिंदा है, मतलब इसी साहब का दिया हुआ फिजिक्स है जो अभी भी जिंदा है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ले लीजिए तो इन्हीं साहब का दिया हुआ 1905 में, ये वाला जो 1900 में आया था इक्वल टू एच न्यू, और तब जाकर के इन्होंने ये वाला सिस्टम अप्लाई किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको दिया, लेकिन इसको कौन से दिया था, जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था आर्थर हॉली कॉम्पटन। क्या नाम था? आर्थर हॉली कॉम्पटन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं AH कॉम्पटन, ये आप चीज़ आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, ठीक है, कि जो कॉम्पटन इफेक्ट था वो किन के नाम पर। तो एक चीज़ तो सिंपल सा अंतर है यहाँ पर पता चल गया, दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, जब लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लाइट को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया जाता है, टकराया जाता है, इसके कारण स्कैटरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो लाइट था वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया गया, जो भी कुछ भी लाइट था वो कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया गया, ठीक है, किससे, इलेक्ट्रॉन से, जो यहाँ पर मेटल है वो क्या किया, लाइट को ऑब्जर्व कर लिए और क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फोटोन जा रहा है वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया, टकराया, और टकराने से स्कैटरिंग हुआ, स्कैटरिंग मतलब छितरा गया, ठीक है। तो ये दो अंतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लिख कर रहे हैं, इसमें एक अंतर तो यही हो गया, ठीक है, जो पहला अंतर था दोनों के बीच में, कि पहला चीज़ तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने इसको एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, एक्सप्लेन बाय यहाँ पर लिख देते हैं बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, और यहाँ पर एक्सप्लेन्ड बाय आर्थर हॉली कॉम्पटन, ओके। नाम चूंकि हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं तो इसका इनका स्पेलिंग याद नहीं रहता है, ठीक है, तो AH कॉम्पटन भी आप लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। अगली बात है कि जितना इंटायर एनर्जी है, किसका इंटायर एनर्जी, जो एक फोटोन का है वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब किया जाता है, किससे, बाय मेटल सरफेस से, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा जो डिफरेंस हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, इंटायर एनर्जी ऑफ
फोटोन, मतलब देखिए जब लाइट आ रहा होता है हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट चाहिए, आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए हम लोग जो विजिबल लाइट है तो टॉर्च का लाइट मारेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक होगा, कभी नहीं होगा ना। अगर होते लगता तो हम लोग क्या करते, झट से यहाँ मारते, यहाँ का इलेक्ट्रो बाहर निकलता, मान लो अगर ये मेटल है तो ठीक है, झट से खिड़की में मार देते, वहाँ लोहा लगा हुआ, झट से इलेक्ट्रो बाहर निकलती, इलेक्ट्रो को देख लेते हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट होना चाहिए। तो वो लाइट जब हाई फ्रिक्वेंसी का, तो लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टीनी पैकेट कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या आ रहा है, फोटोन आ रहा है। तो इंटायर एनर्जी जो है फोटोन का, वो क्या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय इलेक्ट्रॉन। इंटायर एनर्जी ऑफ फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय फोटोन, ओके, बाय इलेक्ट्रॉन, बच्चों बाय इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आएगी सबको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि इधर से फोटोन या तो लाइट को इंसिडेंट करवाएं, जिसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितना हमने लाइट का एनर्जी दिया वो सब क्या होता है, ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाई इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, और तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है, ओके। और तीसरा ये है कि लो एनर्जी, जिसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि लो एनर्जी फेनोमेना है, मतलब समझ सकते हो कि इधर 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 बता दिया जाए ना, इधर क्या होता है, सो देखिए तो यहाँ पर क्या देखे हम लोग, यहाँ ने देखे मैंने कि पूरा एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो फोटोन होता है उसका कुछ पार्ट जो है एनर्जी का, कुछ पार्ट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन में। बोलो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट में था, उसके पास अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी था नहीं, लेकिन क्या हुआ, इधर से जब ये आया तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन करने लगा। इसका मतलब इसको एनर्जी कौन दिया, तो ये फोटोन दिया। तो इसमें क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट में ये फोटोन क्या करती है, अपना एनर्जी दे देती है किसको, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, ठीक है। तो इन क्वांटम इफेक्ट द इंसिडेंट फोटोन ट्रांसफर ओनली अ पार्ट ऑफ एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन। चौक गिर गया यार। हाँ यहाँ पर लिखते हैं इन क्वांटम इफेक्ट, या तो लिखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं इन दिस इफेक्ट अ पार्ट ऑफ एनर्जी, पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ किसका, फोटोन इज, एक मिनट यार कॉल आ रहा है, कह रहा था कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो क्या होता है कि फोटोन अपना कुछ पार्ट का एनर्जी को इसमें दे देते हैं, ठीक है। तब जाके हम लोग एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व करके इसका एक इक्वेशन डिराइव करते हैं कि जो वेवलेंथ है उसमें चेंज कितना होता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि इन दिस इफेक्ट अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि जितना एनर्जी था सबके सब क्या किया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, ओके। तीसरा जो पॉइंट है नीचे, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा और मेरे पास कोई दिखाने का तरीका भी नहीं है, इवन हम देख लेते हैं अगर कुछ हो सकता है तो, ठीक है, चलो भैया दिखा दो। हाँ यस, तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर लो एनर्जी, क्या है लो एनर्जी, तो लो एनर्जी फेनोमेना जो है वो यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर चलता है क्या, नहीं चलता है, बोलेगा कैसे, तो एक काम कीजिए, जैसे कि अगर हमने क्या किया, कम एनर्जी वाले फोटोन को इंसिडेंट करवाया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो हम लोग जो फोटोन लेते हैं उनका वेवलेंथ कितना होता है, यहाँ पर विजिबल में होता है, या तो अल्ट्रा वायलेट लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, जैसे जिसका 6000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम कह रहे हैं कि लो एनर्जी फेनोमेना एंड फोटोन इज डिसेपियर आफ्टर डिलीवर्ड, आफ्टर डिलीवर एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी फेनोमेना, लो एनर्जी फेनोमेना, ये जो फेनोमेना है वो लो एनर्जी फेनोमेना है, एंड एंड फोटोन इज डिसअपीयर, फोटोन, फोटोन जो होता है वो क्या होता है, डिसअपीयर होता है, मतलब ये अपीयर नहीं होता है
व्हेन एनर्जी डिलीवर्ड टू इट मतलब है जब एनर्जी को हम क्या करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं, ठीक है। टू इट मतलब किसमें, फोटोन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। फोटोन इज डिसअपीयर मतलब फोटोन क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है जब एनर्जी हम लोग डिलीवर्ड करते हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन में, तब फोटोन डिसअपीयर हो जाता है और ये जो है सो एक लो एनर्जी फेनोमेना है, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर हम इसमें क्या करें कि 6000 अंगस्ट्रोम वाला वेवलेंथ वाले लाइट को या तो उस वेवलेंथ वाले फोटोन को यहाँ पर टकरावें तो क्या होगा कि जो वेवलेंथ में चेंज हो रहा है वो हम लोग को नज़र नहीं आ पाएगा। बोलिएगा क्यों, क्योंकि जब हम एक नॉर्मल सा एक्सरे या तो गामा रे को लेते हैं, गामा रे वाले फोटोन को इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो क्या होता है, जो वेवलेंथ चेंज होता है डेल्टा लेमड़ा वो कितना होता है, 0.234 अंगस्ट्रोम होता है, कितना होता है, 0.234 अंगस्ट्रोम होता है, ये लेमड़ा है। जो वेवलेंथ हमने लिया था एक्सरे या गामा रे का, वो वेवलेंथ जब इससे इलेक्ट्रॉन से टकराए तो उसके बाद जो नया वेवलेंथ बना वो और पहले वाला, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था हमने कैलकुलेट किया कितना, 0.234 अंगस्ट्रोम। और ये देखिए 0.8 का मतलब बहुत कम है, और अगर हम क्या करते हैं 6000 वाले लाइट को लेते हैं तो ये 0.6234 बहुत कम हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि ये काम नहीं करेगा, या तो जो कुछ भी यहाँ पर चेंज होगा उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक लो वेवलेंथ वाले लाइट को या तो लो वेवलेंथ वाले लाइट के फोटोन को यहाँ पर टकराना पड़ता है इलेक्ट्रॉन के साथ में, ठीक है। तो मिड एनर्जी फेनोमेना लगता है यहाँ पर, और फोटोन क्या होता है, स्केटर्ड कर जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर मिड एनर्जी फेनोमेना, ठीक है। एंड फोटोन गेट्स स्केटर्ड, फोटोन क्या होती है, स्केटर्ड हो जाती है, स्केटर मतलब छितरा जाती है, कोई दिक्कत किन्हीं को होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत यहाँ तक, है ना। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ओके। यही तीन अंतर था जो मेजर अंतर था, और इसी को हमको बताने में इतना समय लग गया, ओके बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपने नोट कर चुका होगा, तो यहाँ पर मैंने तीन अंतर बताया। पहला अंतर किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन से ने इनको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, और इनको एक्सप्लेन किया था आर्थर हॉली कॉम्पटन साहब ने। दूसरा अंतर बताया मैंने, इंटायर एनर्जी जो होती है सब के सब अब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसमें, ठीक है। मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करते हैं, इंटायर एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि इसमें क्या होती है, जैसे यहाँ पर फोटोन को मैंने टकराया इससे तो क्या होती है, कुछ पार्ट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, उसके बाद वो स्केटर्ड कर जाते हैं। तीसरा मैंने बताया कि ये जो है सो लो एनर्जी फेनोमेना है, ठीक है, और फोटोन जो है सो डिसअपीयर हो जाता है, मतलब जो लाइट हमने भेजा है मेटल सरफेस के ऊपर वो लाइट हमको डिसअपीयर नज़र आता है, मतलब वो होता आखिर, मतलब हम लोग को नज़र नहीं आता है, उसके बदले हम लोग को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है, ठीक है। आँख में कुछ पड़ गया भैया, इसमें क्या बताया, इसमें मिड एनर्जी फेनोमेना है, मतलब थोड़ा सा एनर्जी मिडिल में चाहिए, मतलब ना ही कम नहीं ज़्यादा, मीडियम में चाहिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि फोटोन स्केटर्ड कर जाता है। तो ये था हमारा तीन अंतर, जिसको अगर आप आराम से समझा करके लिखिएगा, अगर आप इसको आराम से समझा करके लिखिएगा ना, तो 100% ये दावा करते हैं हम कि ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आया, मतलब नंबर आपको अगर ये 10 नंबर का, 5 नंबर का, 4 नंबर का जितने भी पूछेगा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटेंट इफेक्ट को कंपेयर कीजिए, ओके। देन बच्चा लोग, सॉरी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। कोई दिक्कत होगा तो उनके पर्सनल नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, ओके। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।